कहता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, एक रोल तोड़ने की एक स्ट्रिप से तुम मुझे 5 क्यों बता रहे हो। कहता है कि ना, क्योंकि फादर ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि फादर को तुम्हारे सारे सिंस के बारे में पता है, तुमने यहाँ आके लैंड साइड में क्या क्या किया और सबको कितना तंग किया इस वजह से। तो वो कहते हैं अच्छा, तो हम मुझसे बदला ले रहे। कहते हैं हाँ, वो तो मैं लूंगा। और दूसरी बात, तुम वांगजी से लान वांग जी से तुम मैरिज करने वाले। वांग जी कहते हैं मैं कभी इस फिल्टी उम्र से कभी मैरिज नहीं करूँगा। तो फिर ना वांग जी को उकसा देते और वो फिर अपनी तलवार निकाल देते, बीचे निकाल देते और वीन की तरफ कर देते। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी, मुझे ये बोले कि मैं हूँ भी नहीं, एक तुम हो ये बास्टर्ड अल्फा। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने फ्यूचर एम्परर को बोलने के लिए। कहते हैं फ्यूचर एम्परर ना, अभी तो तुम एक नॉर्मल प्रिंस हो अपने किंगडम के और यहाँ मैं भी प्रिंस हूँ, तो खबरदार कोई इस तरह की बात करने की कोशिश की, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो मार के तो दिखाऊँ, विंग कहते। तो फिर ना वांग जी और विंग के दोनों के आपस में सॉल्व फाइनल होने लगे थे। तो फिर जब यहाँ होता वो दोबारा बीच में आता और कहते रुक जाओ, दोनों रुक जाओ, दोनों में से कोई हिले ग्रह नहीं आप। और फिर ना विंग की तरफ देखते और कहते हैं ना तुम वांग जी से मैरिज करोगे और इस बच्चे को भी अपना। विंग कहते मैं नहीं करूँगा, मैं इस उमेगा से कभी मैरिज नहीं करूँगी। कहते हैं ठीक है, तुमने एक और रूल तोड़ दिया, तुम अपनी उससे एबिलिटीज से पीछे हट रहे हो, एक और रूल तोड़ दिया 15 स्टेप्स। तो फिर ना विंग गुस्सा हो जाता है, कहते क्या बकवास किया जा रहा है तुम बार बार। तो फिर अब उसको इस तरह गुस्सा आ जाता है और ना उसके अंदर से ना हल्की हल्की ना ऐसे गुस्से वाली ऑरा निकल रहा होता है। तो फिर ना उस टाइम पे जो उसके फादर होते हैं वो खुद ही आ जाते हैं और जिसको देखे सब बो करते हैं क्योंकि वो एम्परर थे। और फिर ना वो दोनों यांग और जिंग दोनों ही विंग और विंग यांग दोनों ही बो भी करते क्योंकि वो तो उनके फादर थे और एम्परर भी, तो फिर वो भी बो करते। और फिर ना वो जो विंग की तरफ गुस्से से देखते और कहते हैं फिर ना तुम फ्यूचर एम्परर और तुम इस तरह की हरकतें करते हो, तो शर्म नहीं आती। तो फिर वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना विंग की तरफ देखते हैं, विंग का ना सर नीचे हो जाता है क्योंकि वो सच में उसको लग रहा था कि उसने ऐसा किया है, उसने रूल्स तोड़े हैं, बट उसको उकसा रहा होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विंग के साथ वांग जी की तरफ वजह से हो रहा था। तो फिर वो कहते हैं आई एम सॉरी फादर, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना तुमने मिस्टेक किया और तुम्हारी अब तुम्हारी 1 वीक बाद तुम्हारी लान वांग जी के साथ मैरिज होगी और तब तक के लिए तुम्हें आइसोलेटेड किया जाएगा और तुम्हारी कोर को भी ब्लॉक किया जाएगा। तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सॉल्ट भी नहीं होगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी। और जब ये बोलते हैं तो फिर ना विंग की आइज शौक से चोरी हो जाती है और फिर ना वो अपने फादर की तरफ दिखते हैं। पता कहते हैं और जो तुम्हें यांग ने सुनाई है 15 स्ट्रिप्स वो तुम्हें पड़ेंगी। तो फिर ना विंग को और गुस्सा आ जाता है, उसकी ब्लड शॉट रेड आइज हो जाती है और ना वरना उसकी तरफ देख रहे होते वांग जी की तरफ। तो फिर ना वांग जी जब ये सारी बातें सुनते हैं वो शौक हो जाते हैं, वो ना आगे आता है और फिर ना एम्परर को बो करते हैं, यानी विंग के फादर को बो करते हैं। कहते हैं कि ना एम्परर आई एम सॉरी बट मैं आपका ये डिसीजन नहीं मान सकता, मैं इस अल्फा से मैरिज नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता ये। तो फिर कहते हैं ना बेटा मुझे पता है तुम नहीं करना चाहते बट तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे फ्यूचर हायर के प्रेगनेंट हो, फ्यूचर हायर के तुम्हारी टमी में है। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना मैं इसका खुद ख्याल रख लूँगा। तो फिर ना वो ये बोलता है, तो फिर कहते हैं कि ना नहीं, अगर तुम चाहते हो अगर तुम विंग के साथ तुम्हारी मैरिज ना हो तो तुम्हें ये इस बच्चे को अडॉप्ट करना एबॉर्शन कराना पड़ेगा। और फिर ना ये बात बोलते हैं तो फिर ना उनकी नज़र ना वांग जी के नेक पर जाती है और फिर ना वो एक गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं कि ना तुम तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें, और इस तरह बोलते। तो फिर वो कहते हैं कि ना क्या तुमने देखा नहीं है, तुम उसके मार्ग से तुम एक मार्ग मेगा, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई और भी एक्सेप्ट करेगा। तो तुम दोनों के लिए यही अच्छा है कि तुम आराम से एक दूसरे को मान लो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। तो फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कभी नहीं। तो उसके बाद ना जो वो होते हैं गार्ड्स आते हैं और फिर ना जो वे गार्ड्स होते हैं वो आते हैं और ना जो विंग है उसको ना ले जाते हैं और जो जंक्शन जो होता है वो भी गुस्से में ना अपने उसमें चला जाता है और फिर ना वो जिंगशी भी जाके रो रहा होता है क्योंकि एक्चुअली वो ये मैरिज करना ही नहीं चाहता था और उसको देख रहा था ये सब क्या हुआ। और इनके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि दोनों ने एक दूसरे का फ़ायदा उठाया एक तरह से और जिसकी वजह से उनकी नफरत आगे चल के बहुत बड़ा मोड़ लेगी जो बहुत ही सैड भी होने वाला है। बट हैप्पी एंडिंग है गाइस और यहाँ पे विंग है जो फुल शॉक है
तो फिर ना वो कहते ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर अब ये सोचते हैं कहते ये लान वांग जी अब एम्प्रेस बनेगा। नहीं 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 ये मैं नहीं होने दे सकता, मैं इन दोनों के बीच में कभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका आइडिया हो गया था कि वो दोनों कैसे मतलब जो इसी का प्लान ही था। तो फिर कहते हैं ना मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा कि तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे, तुम इतने नफरत करोगे एक दूसरे, कभी एक दूसरे का फेस देखना पसंद नहीं करोगे, इस तरह ना मिंगे और सोच रहा था। और फिर ना यहीं पे ना हमारे ये वाला स्टोरी स्टोरी कहनी सॉरी पार्ट का एंड होता है। बाय बाय।